हेलो हेलो फ्रेंड्स सो दिस वीडियो इज अबाउट सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सो ये वीडियो हमारे शाम uh, के लोगों के लिए तो नहीं है बट फॉर द पीपल्स ऑफ यू नो रेस्ट ऑफ इंडिया उन लोगों के लिए है कि जो उन्हें लगता है कि हम लोग असम में वी डोंट वांट एनी रिफ्यूजीज ओवर हियर सो प्रॉब्लम यह है कि एग्जैक्टली exactly, जो का आंदोलन जो का सिटीजनशिप अमेनमेंट एक्ट के जो प्रोटेस्ट हुआ था असम में वो क्यों हुआ था इसके बारे में आई थिंक लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं है दे आर यू नो सेइंग एक्चुअली सेड इन लाइक नाइनटीन कि असम में बीस लाख लोगों को बेघर कर दिया है नरसे की वजह से जिसके रिगार्डिंग uh, बहुत लोगों ने दिल्ली में या बॉम्बे में आई हैव सीन लॉट ऑफ यू नो बॉलीवुड स्टार अबाउट यू नो दैट यू नो इन असम कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया गया है बट आई थिंक उन लोगों को हिस्ट्री नहीं पता कि हमारे देश के बारे में आसाम के बारे में In 1971 सेवनटी हमारे यहाँ पर एक एक्ट uh, पास हुई थी इट्स नॉट एक्ट इज एग्रीमेंट साइन बाय बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज राजीव गांधी कि 1971 24 मार्च से पहले जितने भी लोग आसाम में आए थे मे वी फ्राम बांग्लादेश म्यांमार पाकिस्तान अफगानिस्तान दे ऑल हैव टू लिव असाम क्योंकि यहाँ पर uh, जो लोग है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के लोग है जैसे कि अगर देखा जाए तो आई एम बिलोंग फॉर मै टाइम होम कम्यूनिटी एंड वोरोनअल कौसरी सर हियर एंड मैनी मोर पीपल सर दियर एस सी एस टी मिसिंग नेपाली गारो खासी, बहुत सारे लोग हैं। सो नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स है ये काफी डिफरेंट है अदर स्टेट से बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली फॉर सिक्स ईयर्स एंड यू नो आई हैव सीन ओवर देयर यू नो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट सिंकी मोमोज एंड यू नो की तुम लोग कहाँ से आए हो इनफैक्ट दे डोंट हैव एनी आइडिया वेयर इज मेघालया तो समाइम कभी कभी होता है कि पूछते हैं कि आप लोग इंडिया में वीजा लेके आए हो या कब कितने दिन के लिए आए हो डैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो यू नो कुछ कुछ लोगों को सुनना पड़ता है बट खैर वो उनके नॉलेज uh, की प्रॉब्लम है बट इट्स ओके सो कंटेंट इज द मेन कंटेट अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो बहुत सारे लोगों ने जो बताया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हमारे जो 20 लाख लोग बेघर हुआ है ये अनफोर्स -force, मतलब फोर्सफुली उन्हें हम बेघर कर रहे हैं बट डेट इज नॉट राइट और डेट इज is नॉट करेक्ट सो जो 19 हमारे यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं बाहर से जितने भी लोग आए हैं ऑलरेडी फ्रॉम 1949 और सॉरी नाइनटीन फोर्टी सेवन टू सेवन टू हमें जितना भी लेना था फ्रॉम 1951 फिफ्टी वन इन सो ट्वेंटी इयर्स की जो एडिशनल हम लोग हम जो हमारे यहाँ पर लोगों को दिया गया है हम उनको ऑलरेडी हम रखे हुए यहाँ पर सो यू हैव यू नो आसाम इज ए वेरी स्मॉल स्टेट कम्पेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया एंड यहां पर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहां पर कोई मैन्यूफेक्चरिंग प्लांट नहीं है यहां पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है लोग खेती बाड़ी करके मतलब थोड़ी बहुत अपना गुजारा कर रहा है और इन इफ यू सी दैलरी ऑफ दिस पीपल आर वेरी लो कंपेरिजन टू अदर स्टेट नो, आ, मैं खुद देखा दिल्ली में जब टमाटर की किलो बीस रुपए की या दस रुपए की होती है तो यहाँ पर किलो करीबन चालीस से पचास रुपए की होती है हमारे जितने भी आ, लोग हैं यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग सफर कर रहे हैं काफी रीजन से जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पर काम नहीं है लोग काफी परेशान है सो so, जो ऑलरेडी ट्वेंटी ईयर से जितने भी लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं तो उन लोगों को तो ऑलरेडी हमने रखा ही है फ्रॉम नाइनटीन सेवनटी वन टू अगर टू थाउजेंड फोर्टीन के थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक अगर देखा जाए तो जितने भी बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं वो सारे लोग असम में आ जाएंगे आ जाएगा वो लोग वी हैव थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्ट ओवर ही है एंड उसमें से भी सिक्स डिस्ट्रिक्ट uh, को गवर्नमेंट ने बोला है कि वहां पर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होंगे नेक्स्ट आपके मेघालय में नहीं होगा नागालैंड पे नहीं होंगे मिजोरम पे नहीं होगा मणिपुर में नहीं होगा अरुणाचल में नहीं होगा डेट ओनली त्रिपुरा एंड आसाम है सो so, अगर आप लोगों को पता नहीं है त्रिपुरा के बारे में तो थोड़ा सा मैं त्रिपुरा के बारे में भी बता देता हूँ क्योंकि त्रिपुरा में आई थिंक uh, प्रद्युत देव बर्मन राइटिंग मे बी मेरा में नाम गलत भी हो सकता है बट एक्चुअली मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है बट नाम आई थिंक देव बर्बन फैमिली से ही है सो so, uh, उनके फैमिली के उनके जो uh, प, मतलब खानदान ने काफी लोगों को वहां पर रहने के लिए जगह दिया हुआ है ऑलरेडी तो त्रिपुरा में धीरे 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 करके बांग्लादेश से आए हुए लोगों ने इतना ज्यादा कब्जा कर लिया है कि वहां पर अभी लोकल लोगों की आइडेंटिटी खत्म हो गया है वहां पर वो लोग अभी यू नो माइनॉरिटी पे आ चुके हैं वहां पर तो ये सारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेट्स है ये सारे लोग पहाड़ी इलाके भी है एंड लोग आर वेरी सिंपल माइंड सिंपल पीपल है ये लोग इनको इतना ज्यादा पता नहीं है लोगों को बहुत जल्दी आ, वेलकम करते हैं वहां पर रहने के लिए खाने के लिए पीने के लिए तो अब मैं त्रिपुरा में ऐसे हाल हालात हो चुकी है कि लोग वहाँ पर मतलब जो बाहर से लोग आए हुए थे वो लोग अपने ही वहाँ के लोगों को ही मारना शुरू कर दिया पीटना शुरू कर दिया है, है वहाँ के जो लोकल अपना लैंग्वेज था त्रिपुरा लोगों की तो लैंग्वेज अभी है ही नहीं वहाँ पर वहाँ पर जो स्टेट लैंग्वेज था उसको अभी चेंज करके बांग्ला लैंग्वेज बनाने के टाइम आ चुके हैं मतलब टाइम आ चुके हैं मीन्स की ऐसा सिचुएशन हो चुका है वहाँ पर अभी अपना लोकल लैंग्वेज ही लोग वहाँ पर बोलती ही नहीं है सबसे ज्यादा ज्यादा तो अभी बांग्ला हो गया है वहां पर तो पॉइंट इसी कोई हिंदू मुस्लिम या कोई सिख या क्रिश्चियन लोग इसकी बात नहीं है द प्रॉब्लम इज द अबाउट द आर नॉट अगेंस्ट द पाकिस्तानीज़ अफ़ग़ानिस्तानीज़ और बांग्लादेशीज पीपल बट अगर आप अगर ट्वेंटी नो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर आप ला रहे हो सो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डेटा पुट करना चाहिए कि एवरी स्टेट में कितने बाहर के बाहर से आए हुए रिफ्यूज़ीज़ है एज पर पर दिज लॉ दे आर कि रिफ्यूज है जिनको आ, तो मतलब धर्म के नाम पे हो या रिलीजियस कहीं पर उन्हें हुआ है जिसके रिगार्डिंग उन लोग को वहाँ से भागना पड़ा तो एवरी स्टेट में जितने भी लोग हैं उनके सबका काउंट किया जाए और हर स्टेट को फिफ मतलब इक्वल वाइज अब बांट दिया जाए अगर इन केस इफ इन असम वी है कि हंड्रेड बांग्लादेश है तो इंडिया के सारे स्टेट में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए कि असम भी दस रखेंगे वेस्ट बंगाल भी दस रखें गुजरात भी दस रखे दिल्ली भी दस रखे एम भी रखे महाराष्ट्र भी रखे तमिलनाडु भी रखे कर्नाटका भी रखे सब आंध्र अं� प्रदेश भी रखे सब लोग दस दस रखे तो ये पूरा का पूरा जो लोग हैं उनको असम में या नो मतलब डंपिंग जोन बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है या नॉट अ डस्टबिन कि आप लोग जब मन करे आप लोग किसी को भी उठा के आप यहाँ पर डाल दोगे और हम लोग मतलब हंसते हंसते उन्हें वेलकम करेंगे तो प्रॉब्लम इज अबाउट अवर कल्चर है कि हमें उन्हें यहाँ पर कोई रिफ्यूजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग रिफ्यूजी को ला सकते हैं यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत सारे लोग इनफैक्ट ऑलरेडी है बाहर से तो हमें भी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट द प्रॉब इज अबाउट दिस एक्ट एक्चुअली ये एक्ट बनने के बाद असम में जो इलीगली जितने भी बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगा वी हैव अप्रोक्सीमेटली थ्री करोड़ पीपल इन असम सो थ्री करोर्स में भी मेरे ख्याल से आ, आई थिंक approx 50 टू 60 लाख सर इलीगल पीपल अगर कोई मतलब अपनी आ, पेपर से मतलब वीज़ा लेके या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके यहाँ पर स्टे किया हुआ है और उन लोगों को सिटीजनशिप देना है तो उन्हें हम दे दीजिए हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जो इलीगली आया हुआ है जो का तार के नीचे से आया हुआ है जो आ, मतलब भाग के छुपके से आए हुए ऐसे भगौरे को हम क्यों सिटीजनशिप यहां पर देंगे हम अपने जमीन क्यों देंगे उन्हें हमारे पास इतने जमीन तो है नहीं कि हम हर एक को बांटे ऐसे फ्री में तो ये जो एक्ट है ये में भी हो सकता है कि यूपी के लिए बेटर हो गुजरात के लिए बेटर हो राजस्थान के लिए बेटर हो बिकॉज यू नो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी खेतों खेत है और बहुत खाली जगह है वहां पर उनके लिए हेल्प हो सकती है बट हमारे लिए नहीं तो ये सिटीजनशिप एक्ट को बाहर के लोगों के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की पीपल आप लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्चुअली हमारे प्रॉब्लम को समझिए फिर आप लोग बोलिए कि नहीं हमारे यहाँ पर क्यों एनआरसी लागू किया गया है वी आर सपोर्ट ऑफ एनआरसी हमें एनआरसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है एनआरसी हर डे इंडिया के हर कोने पे हो हम इस पर सपोर्ट करते हैं बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम असम में कभी सपोर्ट नहीं करेंगे ये एक इलीगल है और सेकेंडली हम रिफ्यूजी के खिलाफ नहीं है बट बांग्लादेशियों के खिलाफ है जो इलिगली असम में घुसे हुए हैं जो इलीगली यहाँ पर रहे मतलब अभी तक है उन लोगों को हम उन लोगों से हमें प्रॉब्लम है और हम लोग कभी भी एक इंच जमीन भी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में हम नहीं देंगे भले ही लड़ाई कर जाना पड़े उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि आप लोग प्रॉब्लम को ट्विस्ट करना चाहते हो असाम के प्रॉब्लम को कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है और आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम कुछ और है हमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना है वी आर नॉट यू नो डिवाइडिंग की पीपल अगेंस्ट देयर यू नो ये रिलीजन के हिसाब से सॉरी रिलीजन के हिसाब से किसी को हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं चाहे जो भी हो हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो जैन हो पारसी हो हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है हम यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते बट द प्रॉब्लम इसकी हमें बांग्लादेशी नहीं चाहिए भले वो कहीं भी हो कहीं से भी आए हो कोई भी हो हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो पर जो जो इलीगली आए हुए हैं जो लीगली आए हुए हैं उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जो इलीगली आए हुए हैं आसाम में उनसे हमें काफ़ी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ समझिए कि हम यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे लास्ट ईयर और अभी भी हम क्यों उसके अगेंस्ट थे डन आप लोग हमारे ऊपर टिप्पणी कीजिए अदरवाइज़ ये अब गलत तरीके से मैसेज पास मत कीजिए हम एन के अगेंस्ट नहीं है एन हमें चाहिए और पूरे इंडिया में लागू बट हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट हैं थैंक यू